दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक बोर्ड की वायरिंग करेंगे जिसमें एक सॉकेट, दो स्विच, एक होल्डर लगा हुआ है। तो दोस्तों इसकी वायरिंग कैसे करेंगे तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, इसकी बिल्कुल मत करा, अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे तो कैसे इसकी वायरिंग करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसकी बिल्कुल मत करिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर हमने इस सरमाइका में हमने ऑलरेडी इसमें सॉकेट, स्विच को, होल्डर को फिक्स कर रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने सारे टाइट कर दिया है। तो दोस्तों हम इसका कनेक्शन करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, पहला नंबर हम क्या करेंगे, वायरिंग का पहला नियम को लागू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का एक तार लेंगे और एक तार एक्स्ट्रा लेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम इसे ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल बनाएंगे इसमें पहले उपकरण में दोनों ज्वाइंट करेंगे, एक सॉकेट में और एक होल्डर में। तो जैसे कि हमने कर लिया है तो हम क्या करेंगे, पहले अब देखिए हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे इस वाले सॉकेट में, देख रहे हैं इसमें हम करेंगे पहला न्यूट्रल, यहाँ पे लिखा भी है न्यूट्रल पे देंगे हम, यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस सॉकेट का करेंगे, तो हम पहले यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे, जैसे कि आप देखिए हम कनेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन दे रहे हैं। यह हाउस वायरिंग का पहला नियम है, हमने अच्छे से कहा दोस्तों इसको अच्छे से टाइट करिएगा, लूज मत करिएगा, नहीं तो स्पार्किंग करेगा। तो दोस्तों हमने न्यूट्रल का यहाँ पे एक तार दे दिया, जैसे कि आप देखिए अब यहाँ पे हमने एक न्यूट्रल का पॉइंट देंगे डायरेक्ट, तो जो हाउस वायरिंग का नियम लगता है वही हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। दोस्तों अब ये देखिए हम यहाँ पे अच्छे से टाइट करेंगे इसको ड्राइवर से। तो हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन देखिए यहाँ से हो गया, एक होल्डर में, एक सॉकेट में। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब फेस का वायर लेंगे, देखिए फेस का वायर हम बनाएंगे इसको, फेस को। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में स्विचों के सभी निचले हिस्से पॉइंट में, इसमें 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 हमने जोड़ेंगे स्विच में। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नीचे वाला ये हिस्सा है यहाँ का, ये नीचे वाला हिस्सा है, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला, यहाँ पे ऑन होगा, यहाँ पे ऑफ होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे कनेक्शन डालेंगे, तो देखिए हम तार डालते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम दोनों स्विच को अच्छे से, दोनों पॉइंट को हम टाइट कर दिए। अब हमारा ये फेस वाला कनेक्शन ओके हो गया, ये फेस हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब बचा हमारा दोस्तों ये बचा हमारा पॉइंट होल्डर का, और इसमें बचा स्विच में, दोनों स्विच में एक एक पॉइंट बचा और सॉकेट में एक पॉइंट बचा। तो अब इसके हम कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा वायर लेंगे, हम स्विच में लगाएंगे, स्विच में, जैसे कि हम यहाँ पे पहले वाले पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट में, यहाँ वाले पॉइंट में, हम ऊपर वाले पॉइंट में हिस्से में डालेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हम जैसे कि देखिए हम यहाँ पे डाल के हम कस दे रहे हैं इसको, हम क्या करेंगे इसमें देंगे, इस वाले पॉइंट में, यहाँ पे फेस हम इन करेंगे। तो दोस्तों हम फेस स्विच से और पॉइंट से हम दोनों इन करेंगे, जिससे हमारा सॉकेट काम करेगा स्विच से। ये दोस्तों हमारा ये वाला स्विच से और इस सॉकेट का कनेक्शन हो गया, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ से कनेक्शन हो गया। अब हम यहाँ का कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा तार लेंगे, फिर हमने ऑलरेडी काट के रखा है, आपको वीडियो लंबी ना हो इस वजह से हमने काट के रखा है, तो आप बोर भी ना हो, तो हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम दोस्तों हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया दूसरे वाले पॉइंट का, होल्डर का। तो अब दोस्तों हम होल्डर में लगा दिए, अब स्विच इस होल्डर में हमने लगा दिया एक ये वाला तार, ये देख रहे हैं ये वाला तार हमने होल्डर में लगा दिया। अब इसमें इस स्विच का हम इसमें कनेक्शन करेंगे, इस वाले पॉइंट में करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं खाली है, तो इसमें हम पॉइंट करेंगे। ये वॉइस वायरिंग का तीसरा नियम है दोस्तों। तो हमने ये वायरिंग कंप्लीट करके ओके कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि हमारी वायरिंग हो गई है, इसका कनेक्शन न्यूट्रल, ये न्यूट्रल वाला तार है, न्यूट्रल का तार एक सॉकेट में गया, एक होल्डर में गया, और उसके बाद हमने फेस का ये तार लिया, फेस वाला तार इसमें गया स्विच के निचले वाले पॉइंट में, यहाँ पे निचले वाले पॉइंट में गया, और दूसरा वाला अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट यहाँ पे खाली था, यहाँ पे एक मैंने जॉइंट कर दिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब दोस्तों ये हमारी बोर्ड कंप्लीट हो गई, अब हम इसको चेक करेंगे बिजली में लगा के, ये हमारी बोर्ड 100% सही है कि नहीं सही है। तो दोस्तों हम चलते हैं, इसको कनेक्शन देंगे बिजली का, तो चेक करेंगे कि ये सही है कि ख़राब है। तो दोस्तों भी तो अब हम न्यूट्रल फेस हम इस बोर्ड में देंगे, जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, हम इसमें कनेक्शन देंगे। तो दोस्तों हम इसका इसमें कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल फेस का,
तो दोस्तों हम जैसे कि ये हमने कनेक्शन कर दिया, इसमें डाल दिया। अब हम दोस्तों इसको चेक करेंगे सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों चलते देखते हैं। ये देखिए हमारा स्विच काम कर रहा है, ये वाले स्विच से हमारा बल्ब जल रहा है। अब दोस्तों हम सॉकेट चेंज करेंगे सही है कि नहीं सही है। तो दोस्तों हम इसको पहले बंद करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक सीफियल रखा हुआ है, तो हम सीफियल लगा के चेक करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये सीफियल दिखा रहे हैं, तो हम सीफियल से चेक करेंगे कि हमारा सॉकेट सही है कि नहीं सही है। तो दोस्तों हम सॉकेट में लगाएंगे। तो हमने सॉकेट में लगा दिया दोस्तों। अब हम चेक करेंगे कि सीफियल हमारा सही है, सॉकेट सही है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए हमारा सीफियल भी सही चल रहा है। तो दोस्तों हमारा दोनों स्विच सॉकेट सही है। ये देखिए अब इससे ये जल रहा है और इससे ये जल रहा है, आप देख रहे हैं। ये तो हमारी वीडियो वायरिंग कंप्लीट हुई। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपको न्यू वीडियो बना के हम आपको जानकारी तक आप तक पहुँचाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।